सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम बेसन की बर्फी बनाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इजी वे है जिससे ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलिए साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले मैंने देसी घी लिया है, इसे मैंने एक कप लिया था, इसे पहले मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद जब मेरा घी अच्छे से मेल्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने 3 कप बेसन डाला है। बेसन को अब जब हम कंटिन्यू भूनते रहेंगे तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। मतलब पहले तो वो डो की कंसिस्टेंसी में रहेगा, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होकर के वो मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। कंटिन्यू भूनते रहेंगे जिससे कि जो हमारा बेसन है वो अच्छे तरीके से भुना जाए। उसके बाद मैंने, जब तक बेसन भुन रही थी, एक तरफ मैंने केक टिन में ऑयल लगाया था और उसके बाद उसके ऊपर बटर पेपर लगाया था। इसी पे जो हमारा बेसन रहेगा, बैटर रहेगा, मैं डालूंगी, जिससे जो हमारा बेसन बर्फी रहेगा वो जम जाएगा। कंटिन्यू भूनते रहेंगे। आप लोग देख सकते हो ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ गई है, मतलब आप इसे भूनते रहोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून सूजी डाला है। सूजी से जो इसका फ्लेवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। ये दानेदार बनते हैं जो हमारे बर्फी होते हैं, ये बिल्कुल बाजार वालों की तरह लगते हैं। और फिर अच्छे से मैंने सूजी डाल के भी इसे मिक्स कर दिया है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, अब थोड़ी सी जैसे लिक्विड फॉर्म में लग रही होगी आप लोग को। गाइज, आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो हमारे बेसन की। अब जो हमारा ये एकदम परफेक्ट बेसन भुन के तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने चीनी लिया है, चीनी मैंने 1.5 कप लिया है। इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है, इसमें मैंने पानी डाला है। बस एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है, और इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला था। इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेना, और एक तार की चाशनी हम तैयार करेंगे जिससे हमारा जो बेसन के बर्फी रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जो हमारी चाशनी है वो बनके रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें पिंच अमाउंट ऑफ फूड कलर डाला, मैंने येलो फूड कलर डाला है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये चाशनी है वो बनके तैयार हो गई है। उसके बाद जो हमने बेसन भून के रखा था, अब मैं बेसन में चाशनी को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कढ़ाई में बेसन रखा था तो इस वजह से मैं उसी में ऐड कर देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे मिक्स कर सकते हो, बट मैंने कढ़ाई में ही मिक्स कर दिया था। में चाशनी ऐड कर दी, उसके बाद हमें इसे कंटिन्यू स्टरिंग करना है। अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी जो चाशनी है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी। इसी वजह से मैंने कंटिन्यू इसे स्टरिंग किया है, जिससे कि जो हमारी चाशनी है वो बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर से जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला था, जिससे कि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और जो हमने केक टिन तैयार करी थी अब मैंने उसे ले लिया है। उसके बाद जो हमने बेसन का ये बैटर तैयार किया था, इसे मैंने केक टिन में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया है। जो हमारा केक टिन में मैं रखूँगी, इसे 30 मिनट तक मैंने रेस्ट के लिए रखा था, और इसमें मैंने चांदी का वर्क लगा दिया जिससे कि एकदम बाजार वालों की तरह लगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट भी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने बादाम डाला था, इसे मैंने बारीक काट लिया था, उसे डाला था जिससे कि ये बिल्कुल बाजार वालों की तरह लगे। जब ये हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी है तभी हमें सारी चीज़ें डाल देनी है, जिससे कि इसमें सब अटैच हो जाए। जो हमारी कतली है इसे हमें रेस्ट होने के लिए रखना कम से कम 25 मिनट के लिए, और इस पर मैंने कट के निशान लगा दिए जिससे कि ये मतलब अच्छे से कट हो जाए। अगर आप निशान लगा दोगे तो ये अच्छे तरीके से कट हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसे 25 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग साइज कर सकते हो, आपको जिसके जितना मतलब ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा रख सकते हो, आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो आप स्क्वायर रख सकते हो, आपको जिस शेप में चाहिए आप वो रख सकते हो।
सो गाइस 25 मिनट बाद मैंने अपने जो बर्फी है इसे निकाल दिया। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से जम गई है। और जो बटर पेपर है अब मैं उसे निकाल कर आप लोग को दिखा देती हूँ जो हमारी बर्फी है वो कितनी अच्छी बनी है और कितनी अच्छी जमी है। 25 मिनट बहुत है इसके लिए, अच्छे से ये जम जाती है अगर आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। उसके बाद मैं कटिंग करके आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले मैं इसे ऊपर वाला जो है इसका मैं उठा के रख देती हूँ दूसरी प्लेट में। तो गाइस उसके बाद मैं इसको पलट देती हूँ। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है मैं ऊपर अप कर देती हूँ क्योंकि मैंने पलटा था तो ये दूसरे साइड का था, इस वजह से मैं पलट के इसको ऊपर रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारी बर्फी है वो कितनी अच्छी जमी है और आप लोग इसको देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप कटिंग का निशान लगा दो, ये आपका तुरंत कट हो जाता है, इसी वजह से मैंने कटिंग का निशान लगाया था। और जो मेरी बर्फी है वो एकदम बाजार वालों की तरह बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी क्योंकि हमारे जितने भी सामान मैंने यूज़ किया था सब गुड क्वालिटी का भी था और जो मतलब प्रोडक्ट भी थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि हम देसी घी में बना रहे हैं तो देसी घी का फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बर्फी को सर्व किया और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप इसका शेप भी देख सकते हो कितना अच्छे से मेरा कटिंग भी हुआ, शेप भी कितना अच्छा आया है और साइजेस भी मेरे बहुत अच्छे थे। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप रख सकते हो, बट मैंने स्क्वायर शेप रखा था, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और इस पर सिल्वर पेपर लगाने से तो ये और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ जो मेरी बर्फी है कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है और कितने आराम से ये टूट भी जा रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।